धार जिले की कुक्षी तहसील अंतर्गत ग्राम नीमथल में पेयजल संकट इतना खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। करोड़ों की नल जल योजना होने के बावजूद 3 से 4 किलोमीटर तक बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल और अन्य संसाधनों से हैंडपंप और पानी के अन्य स्रोतों से पानी लाने के लिए ग्राम के लोग मजबूर हैं, जबकि यहां पर करोड़ों की लागत से नल जल योजना का काम कराया गया था। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ग्राम नीमथल में करोड़ों की लागत से नल जल मिशन की टंकी मात्र फोटो बनकर खड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि आलम यह है कि सारे काम छोड़कर दिन भर पानी की जुगत लगाने में ही लग जाता है। वहीं ग्रामीणों ने चर्चा करने पर बताया कि नल जल लाइन तो बिछी जरूर है, पर नलों से पानी कुछ भी नहीं निकलता, जिसके कारण उन्हें अन्य जल स्रोतों के चक्कर लगाना पड़ता है। बहुत दिन हो गए। फिर भी कितने दिन हो गए? साल भर तक है ये रे, अभी पानी नहीं आते। तो कोई अधिकारी आता है, सचिव, सरपंच, कोई पानी की व्यवस्था नहीं करता गांव में? करता, लेकिन अभी चलता ही नहीं तो क्या करे। पानी अलाव नहीं, पीछे पड़ा है, ऐसा ही पड़ा है, ये टंकी ऐसी पड़ी, पानी कहीं से नहीं। डेली यही नल पे से आके भरना पड़ता है। कितने हेडपम्प हैं? एक ही हेडपम्प है, बस एक हेडपम्प से ही पूरा गाँव पानी भर। मतलब लाइन डली है पूरे घर गांव में? लाइन डली है, नल डले हुए हैं, कभी पानी नहीं आया। नहीं, बड़ी टंकी जो बनी उसको कितना समय हो गया? वो तो चालू ही नहीं करी, बनी नहीं रखी, अभी अधूरी पड़ी। पानी की समस्या को लोगों ने अपने शब्दों में बयां किया, लेकिन अधिकारी दावा कर रहे हैं कि ऐसी कोई समस्या ग्राम में नहीं है, जबकि जमीनी हकीकत किसी और तरफ इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, कुक्षी।